वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि पूरे का पूरा एलिमेंट्री कैनल है माउथ से लेकर के एनस तक का, तो उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर या फिर एलिमेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन सी डिजीज या बीमारियाँ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ हमें देखने को मिलती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का मतलब होता है बीमारियां। जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। हमारे इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन इन, जिसको हम बोलते हैं कि आंत में सूजन हो गई, इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाती है, आंत में सूजन आ जाती है, बहुत सारे जो वर्म है उनकी वजह से। वर्म कौन कौन सा हो सकता है, टेपवर्म हो सकता है, राउंड वर्म हो सकता है, हुकवर्म हो सकता है, थ्रेडवर्म हो सकता है, पिनवर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो वर्म है, टेपवर्म है, राउंडवर्म है, हुकवर्म है, थ्रेडवर्म है, पिनवर्म है, इनमें से किसी भी एक वर्म की वजह से जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकती है, जो कि मोस्ट कॉमन एलिमेंट है, सबसे जो कॉमन बीमारी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसके अलावा और भी जो मेजर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे जॉन्डिस है, वोमिटिंग है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है और पीईएम है। तो इनके बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आइए जॉन्डिस से शुरू करते हैं। जो जॉन्डिस है बच्चों, इसमें क्या होता है, जो हमारा लीवर है वो इफेक्टेड हो जाता है, लीवर अफेक्टेड, क्योंकि लीवर के अंदर से जो हमारे बाइल पिगमेंट्स वगैरह है वो एबनॉर्मल तरीके से रिलीज होते हैं इसमें। और क्या खास बात है जॉन्डिस में, इसको पीलिया बोलते हैं, नॉर्मल जो हम पीलिया जो बीमारी है वही जॉन्डिस है, इसमें लीवर अफेक्ट हो जाता है। जो हमारी आई है एंड स्किन, इनका जो कलर है वो येलो हो जाता है, आई का और जो स्किन का कलर है वो येलो हो जाता है। किसकी वजह से होता है, डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, जो बाइल पिगमेंट है हमारे बाइल जो उसके अंदर होते हैं सीरम, ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, उनके डिपोजिशन की वजह से। हमने देखा था पिछली वीडियो में कि इनकी वजह से ही जो बाइल जूस है उसका कलर येलो होता है। तो ये जब हमारी बॉडी के अंदर स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, ज़्यादा अमाउंट में बनने स्टार्ट हो जाएंगे लीवर में, तो हमारी स्किन का और आई का कलर भी येलोइश हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं जॉन्डिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं वोमिटिंग की। सभी को पता है वोमिटिंग क्या होती है, उल्टी लगना। तो इसमें होता क्या है, जो हमारे स्टमक के अंदर मटेरियल है, स्टमक का जो कंटेंट है वो क्या हो जाता है, इजेक्ट आउट, थ्रो आउट। जो हमारे स्टमक के अंदर जो फूड मटेरियल पड़ा हुआ है, स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट है जिसको काइम बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, माउथ के थ्रू वापस बाहर फेंक दिया जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं वोमिटिंग। स्टार्टिंग में क्या होगा, नौजिया होगा,
इसके बाद धीरे धीरे करके वो मीटिंग हो जाएगी। नोजिया का मतलब होता है हमारा जी है वो ठीक नहीं रहना, थोड़ा अजीब सा फील करना, कच्चा जी होना जिसको हम बोलते हैं। तो उसके बाद उल्टी हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है। जो वोमिटिंग है उसको जो हमारे ब्रेन का पार्ट है मेडुला, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है। हमें पता है कि जितना हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारे का सारा न्यूरल कंट्रोल से चलता है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से चलता है। जो हमारे एंजाइम्स बन रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं, वो सारे न्यूरल कंट्रोल की वजह से बन रहे हैं। जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा रिलीज होता है वो भी न्यूरल कंट्रोल की वजह से होता है। ब्रेन से सिग्नल आता है तभी हमारा सलाइवा रिलीज होता है, ठीक है। और जितने हमारे जो एलिमेंट्री कैनल की जो मस्कुलरीज लेयर है वो भी न्यूरल कंट्रोल से होती है, कब उसमें कंट्रैक्शन होगा कब रिलैक्सेशन होगा। तो जो हमारा वोमिटिंग है वो मेडुला कंट्रोल करता है, जो कि ब्रेन का पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे वोमिटिंग, जिसमें स्टमक का जो कंटेंट है वो माउथ के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरिया। डायरिया में होगा क्या, जो हमारी बाउल मूवमेंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, वो बार बार होती है। और जो हमारा फीसिज है, फीकल जो सब्सटेंसेस है, उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है। जो फिकल मटेरियल है उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा वाटरी होता है। जो हम वेस्ट मटेरियल एक्सक्रेट आउट करते हैं उसमें वाटर का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होगा, डिहाइड्रेशन, डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। बार बार से बाउल मूवमेंट होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, वाटर का लॉस हो जाता है, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन को क्योर करने के लिए हम ORS जो सॉल्यूशन है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या फिर साल्ट, ठीक है, सॉल्यूशन बोल सकते हैं या फिर साल्ट बोल सकते हैं, इसका यूज करते हैं हमारे जो डिहाइड्रेशन हुआ है उसकी कमी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन। ये डायरिया का बिल्कुल अपोजिट है। कॉन्स्टिपेशन में होगा क्या, जो हमारे फीकल मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, जो फीकल मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा होगा क्यों, क्योंकि जो हमारा फूड मटेरियल है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलन, वहां पे डिपॉजिट रहता है, आगे रेक्टम तक नहीं पहुंचता। कोलन के अंदर डिपॉजिट रहता है हमारा फीकल जो वेस्ट मटेरियल है, जिसकी वजह से जो हमारी बाउल मूवमेंट है या फीकल मूवमेंट है उनमें कमी आती है, ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज। नेक्स्ट बात करते हैं इनडाइजेशन। इनडाइजेशन को बोलते हैं बच्चों अपच, यानी कि खाने का न पचना। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो हमारे खाने के अंदर कई बार हम ज्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हैं, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है उनका बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं रहता, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ओवर ईटिंग है,
स्पाइसी फूड है या फिर अनबैलेंस हो एंजाइम्स, तो इन सभी चीजों की वजह से जो हमारा खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ब्रेकडाउन उसका नहीं हो पाता और हमारे स्टमक में ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से हमें हर टाइम फुलफिलनेस रहती है, ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो स्टमक है वो फुल है। ठीक है, फुलफिलनेस यहाँ पे रहेगी। हर टाइम ऐसा लगेगा कि हमारे स्टमक में खाना है, खाने की इच्छा इससे नहीं होती, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इनडाइजेशन। ऐसा होगा किनकी वजह से, या तो हम ज़्यादा खा लेते हैं या फिर हमारा फूड है वो ज़्यादा स्पाइसी है या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं है जितना उनको होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे एलिमेंट है या फिर डिसऑर्डर है, PEM। इसमें होगा क्या, ये मान के चलो तो ये कोई बीमारी नहीं है बच्चों, केवल एक डेफिशिएंसी है, केवल कमी है कि हम फूड तो प्रॉपर ले रहे हैं लेकिन उस फूड के अंदर जो हमारे एनर्जी होनी चाहिए, कैलोरी होनी चाहिए या फिर तो उसके अंदर प्रोटीन्स होने चाहिए वो प्रॉपर नहीं है, उसी कंडीशन को बोला जाता है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। खाना हम पूरा ले रहे हैं लेकिन हमारे खाने के अंदर प्रोटीन और एनर्जी उतनी नहीं है जितनी हमें चाहिए, तो उस कंडीशन को बोला जाता है PEM। तो ऐसा हमारे जो कंट्री है उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर एनर्जी और प्रोटीन्स नहीं मिल पाते, वर्ल्ड वाइड भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो देखने में आई हैं, जिनमें सबसे मेन है मरास्मस और क्वाशियोरकर, ये दो बीमारियां हैं, दोनों ही प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है मरास्मस और क्वाशियोरकर। जो मरास्मस है वो एक साल से जो कम एज का बच्चा है उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है, जो क्वाशियोरकर है वो एक साल से बड़े बच्चे में देखने को मिलती है, बिलो वन ईयर चाइल्ड और वो वन ईयर चाइल्ड, ये इनमें देखने को मिलती है। इसमें होगा क्या कि जो मरास्मस है, जब बच्चे को किसी वजह से बाहर का दूध पिलाया जाता है, मदर जो मिल्क है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी अदर फूड मटेरियल से, बच्चे को मदर का मिल्क है वो नहीं मिल पाता और ऐसे फूड मटेरियल से रिप्लेस कर दिया जाता है जिसमें प्रोटीन भी कम हो और एनर्जी भी कम हो, एनर्जी का मतलब है कैलोरी, जिसमें प्रोटीन भी कम हो और कैलोरी भी कम हो, ऐसे फूड मटेरियल से रिप्लेस कर दिया जाता है तो उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, उस कंडीशन को बोला जाता है मरास्मस, जिसमें जो हमारे लिम्स है वो बिल्कुल थिन हो जाती है, मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकता है बच्चा। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारी स्किन के नीचे थोड़ी बहुत अमाउंट फैट की डिपॉजिट रहती है जिसकी वजह से हमें जो बच्चे के हाथ पैर हैं उनमें थोड़ी सी स्वेलिंग भी दिखाई दे सकती है, सोजिश भी दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं क्वाशियोरकर की, ये भी प्रोटीन की कमी से होने वाला एक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा, जब हम किसी बच्चे को जो मिल्क है उसको ऐसे फूड से रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह मिल्क की जगह उसको ऐसा फूड दिया जाता है जिसमें प्रोटीन तो कम है, प्रोटीन तो है लो लेकिन जो कैलोरी है वो है
हाँ जी। तो जब ऐसा फूड बच्चे को दिया जाता है जिसमें प्रोटीन का लेवल लो है और कैलोरी हाई है, तो उस टाइम उसको हो जाता है क्वाशोरकर। इसमें भी जो मरास्मस की तरह ही जो लिम्स है, हाथ और पैर है, वो बिल्कुल थिन हो जाते हैं, बिल्कुल बच्चा कमजोर हो जाता है, जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, मसल्स है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उस डाइट के अंदर फाइबर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, ये सारी चीज़ें हमें लेनी चाहिए। एक ही तरह का जो फूड है वो डेली नहीं करना चाहिए, हर रोज़ अलग अलग तरह का जो फूड है वो हमें लेना चाहिए, ताकि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है जो वो हमारे बॉडी को मिल सके। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो चैप्टर रहेगा, वो रहेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।